गाइस, आज ही वो दिन है 14 जुलाई जब कॉमेट C-K2 नाम का धूमकेतु हमारे धरती की ओर बढ़ रहा है। इससे हमारे धरती को बहुत ही ज्यादा खतरा है। एस्टरॉइड अगर हमारी धरती की ओर बढ़ता है तो धरती पे इतनी बड़ी तबाही आएगी, इतना बड़ा प्रलय आएगा कि आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। बढ़ रहा है आज के दिन कॉमेट C-K2 नाम का धूमकेतु। इस धूमकेतु को लोग आज शाम 6 वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लाइव वेबकास्ट में ट्यून करके ऑनलाइन देख सकेंगे। गाइस, ये धूमकेतु जो है ना, ये धूमकेतु पिछले 5 वर्षों से लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, यानी हमारे धरती की ओर बढ़ रहा है। और धूमकेतु जो ज्यादातर जमी हुई गैसों और चट्टान और धूल से बने होते हैं, जो कि ये लाजमी हो जाता है कि सूर्य के निकट अगर ये आते हैं तो ये सूर्य के नजदीक आते ही सक्रिय होने लगते हैं। सूर्य की गर्मी धूमकेतु को बहुत ही जल्दी गर्म कर देती है, जिससे इसकी ठोस बर्फ सीधे गैस में तब्दील हो जाती है और धूमकेतु के चारों ओर एक बादल सा बन जाता है, जिसे कोमा के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस, इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये कॉमेट K2 ये पहले से ही सक्रिय था। जब इसे पहली बार 2017 में सनी और यूरेनस के कक्षाओं के बीच में देखा गया, जो सूर्य के लगभग 1.49 बिलियन मील यानी 2.4 बिलियन किलोमीटर दूर था। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस धूमकेतु में एक विशाल कोमा था। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब हिमालय पर्वत इतना एक एस्टेरॉयड हमारे धरती पे गिरा था, तो उस एस्टेरॉयड में इतनी ज्यादा ताकत थी, इतना ज्यादा पावरफुल था, इस धरती से पूरा जीवन का सफाया ही कर दिया। आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं, जो ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और कई ऐसे आवारे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, जिससे हमारे धरती को बहुत ही ज्यादा खतरा है। और गाइस, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो ये कॉमेट है, ये तकरीबन 18 से 100 मील यानी 30 से 160 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। इसकी गति लगातार और ज्यादा तेज होते जा रही है। 14 जुलाई को ये धूमकेतु 8 या फिर 7 की तीव्रता तक चमकने की उम्मीद है, जो दुर्भाग्य से देखने के लिए अभी भी बहुत ही ज्यादा मंद है, पर आप इसे शाम के समय लाइव देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई एस्ट्रोनॉटों द्वारा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हमारी धरती से काफी दूर से गुजरेगा, पर फिर भी हम इंसान जाति को डरना चाहिए इससे, क्योंकि स्पेस में जो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा दूर होता है वो उतना ही पास होता है। हमारे नजरों में 1 लाख किलोमीटर दूरी बहुत ज्यादा है, और गाइस, यूनिवर्स में माने, स्पेस में माने, तो स्पेस में 1 लाख किलोमीटर तकरीबन 1 mm के भी बराबर नहीं है, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो। और हमारे ब्रह्मांड में ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, धूमकेतु, एस्टेरॉयड, मेट्रोइड, ये काफी हद तक बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अगर ये धरती के सतह पे गिरते हैं, इसमें से भयंकर ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है, और ये एस्टेरॉयड हमेशा ही सिविलाइजेशन के लिए खतरा बने रहते हैं, हम इंसान के लिए भी खतरा बने रहते हैं, और ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो इनसे टकरा जाते हैं। इनसे टकराने के बाद उन ग्रहों का क्या हाल होता है आप देख सकते हैं।